पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेगमपुर स्थित शनि मंदिर के समीप छापेमारी कर अवैध गैसिंग के धंधे में भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध गैसिंग संचालक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8,800 नकद, 3 मोबाइल, कैलकुलेटर समेत अवैध गैसिंग कूपन भी बरामद किया है। बताया जाता है कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि बेगमपुर शनि मंदिर के समीप एक झोपड़ी नुमा घर में अवैध गैसिंग का धंधा संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैसिंग के अड्डे पर छापेमारी कर अवैध गैसिंग संचालक सूरज पोद्दार, गणेश पोद्दार समेत 8 लोगों को मौके पर ही धर दबोचा। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज़क्रम 24 की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिला शनि मंदिर से पश्चिम लगभग 150 मीटर पर एक झोपड़ी नुमा बैठका है जिसमें गैसिंग का धंधा चल रहा है बड़े पैमाने पर। इसकी सूचना मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को दिए और थाना अध्यक्ष महोदय पहुँचे। हम लोग सम्मिलित रूप से छापामारी किए जिसमें रंगे हाथ पकड़ा गया। बड़े पैमाने पर लॉटरी का टिकट और बोर्ड एवं जैसे लगभग 8,800 रुपया, 3 मोबाइल, 1 कैलकुलेटर और अन्य अन्य चीज़ बरामद हुआ है। तो जिसमें 8 व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया है और जिसको जो है हम लोग अपना उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस से किस तरह की सफलता बात की और कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है गैसिंग? ये हम लोग गुप्त सूचना मिला था और कल भी सूचना मिला, तो सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ सत्यापन के लिए पहुँचे और छापामारी किए तो रंगे हाथ वहाँ देखे हम लोग कि सब खेल रहा है, बैठे हुआ है और बोर्ड भी लगाया हुआ है। और तो लॉटरी टिकट, बहुत सारा लॉटरी टिकट मिला। यहाँ से 1/2 किलोमीटर होगा लगभग। जी ये तो इसका मुख्य सरगना जो है इसका सूरज पोद्दार और गणेश प्रसाद एवं कृष्णा कुमार के द्वारा जो संचालन किया जा रहा था। जी हाँ, 8 को गिरफ्तारी, जिसमें वो 3 वो भी है, वो कुल 8 गिरफ्तारी हुई।